67 साल के गुजरात के नामचीन ज्वेलर्स के इंदौर न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। खुद से 27 साल छोटी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। पति ने अपने पत्नी को नकली दांतों से काटा था और उसे शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित करता था। अदालत ने ऐसे व्यक्तियों को लेकर सख्त टिप्पणी की है और आरोपी के नकली दांत की 32 जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्षीय पीड़िता उनसे 27 वर्ष छोटी है। उसने अपनी नकली बत्ती से दांतों से पीड़िता के पूरे शरीर पर जख्म देते हुए हैवानियत के रूप में काटा, और न केवल पीड़िता के शरीर पर काटा बल्कि काटने के दौरान उसके साथ में विदेशी स्टाइल में शारीरिक संबंध बनाया अपराधी। इन सब चीजों को लेकर जब पीड़िता ने आपत्ति करी तो उसने भविष्य में इस प्रकार की हरकत न करने का आश्वासन दिया, लेकिन पुनः पीड़िता को अपने निवास गुजरात ले जाकर वहां पर उसने फिर पीड़िता के शरीर पर अंगों पर काटते हुए उसको पीड़िता घाव कर दिए। नोचना, गंदी तरह से काटना और हैवानियत की तरह मेरे संग में सब चीजें करना और विदेशी प्रकार से सब चीजें करना, मतलब मेरे को बोलता था कि मेरे संग ऐसा कर वैसा कर ये कर वो कर, नहीं करेगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं तुझे भगा दूंगा, मैं तो इसीलिए लाया हूँ।